और कथाक्रम में महारास यहां पर होता है। इस महारास में गोपियों के साथ नंद नंदन तो हैं ही, पर एक और अद्भुत गोपी आई है। बोले कौन? वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के संग में धर गोपी को भी। महारास में भोले बाबा भी गोपी बन कर गए। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहां आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। यहां आय गोपी भये श्री गोपेश्वर महादेव भी प्रकट भय। आहा, गोपी बनकर भगवान महादेव आए। कहो महाराज का एक गीत हो जाए। अच्छा, एक महाराज का गीत और ना हो जाए? हो जाए, एक और गीत हो जाए, फिर इसके बाद में भगवान को ब्याह करवा दी डायरेक्ट। कंसा ऐसे ही जल्दी जल्दी में निपटा दे। ऐसा रास रचो वृंदावन मेरे पायल की जनका। भोले बाबा भी गोपी बने। भोले गोपी क्यों बने? महारास में आने के लिए। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन रास में। ओ, एक बार भोले बाबा ब्रजनारी बने। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं रास में। पार्वती बोली हम नहीं ले जाएंगे। भोले बाबा बोले बा हम तो चलेंगे। भोले बाबा से पार्वती जी बोली ऐसे कैसे चलेंगे? क्यों नहीं हम तो जाएंगे। गौरा से बोले स्वामी हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हाँ तेरे संग में। पार्वती जी बोली किस लिए? तो भोले बाबा बोले राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। तो पार्वती जी बोली उससे क्या होगा? रास रचेगा ब्रज में भारी, जब हम जाएंगे तभी भारी रास होगा। रास रचेगा ब्रज में भारी, हम नाचेंगे प्यारी वृंदावन आ गए आ रास में आ गए वृंदावन आ गए। तो पार्वती जी बोली हम नहीं रह जाएंगे। क्यों? श्याम के सिवा ना कोई पुरुषों न जावे वहां रास में, वहां रास। पार्वती जी बोली वहां श्याम के अलावा कोई दूसरा पुरुष जाता ही नहीं है। श्याम के जीवाना कोई पुरुष न जाए वहां रास में, वहां रास में। अगर हम तुमको ले ही जाएंगे तो हंसी करेंगी ब्रज की नारी, इसीलिए मानो बात हमारी वृंदावन रास में। तो पता है भोले बाबा क्या बोले? शंकर जी बोले ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को,
इस राज। पार्वती जी बोली कैसा बना दो, बोले हमें भी गोपी बना दो, साड़ी पहना दो, बढ़िया जूड़ा लगा दो, और ये राज तुम जानती के हम तो कोई राज जान ही नहीं पाएगा, इसलिए ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। तो पार्वती मैया बोली कि कन्हैया पूछेंगे कि कौन है साथ में, तो क्या बताएंगे, अरे बोले उसका भी उपाय है, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज कह देना ये सहेली है। पार्वती मैया बोली सहेली थोड़ी तुम सहेला हो, सहेली थोड़ी हो, बस भोले बाबा बोले कह देना मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। पर क्या बांध के चूड़ा पहन कर साड़ी चाल चले मतवारी वृंदावन। अब भोले बाबा है तैयार, जैसे जी नहीं घूंघट डारे नच रहे ऐसा ही लगभग, दाढ़ी भी है मूछों वाली गोपी है ये। तो पार्वती मैया ने तैयार कर दिया, तैयार किया बढ़िया जो है जूड़ा बनाया, साड़ी पहनाई, कहा आप जरा चलकर दिखाओ ट्रायल करते हैं। भोले बाबा तो भोले बाबा अपनी मस्ती में चले ऐसी, पार्वती मैया बोली जाना कैंसल। भोले बाबा बोले अब गोपी बना दिया अब कैंसल क्यों, जिस हिसाब से आप चल रहे हो उससे तय हो रहा है ये सहेली नहीं सहेला है, हाँ तय हो गया। तो भोले बाबा बोले क्या करें, अरे बोले लचक मचक कर चलो, जब इतना कहा तो बना के जूढ़ा पहन के साड़ी फिर चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, रास में आ गए। अब जब रास में पहुंचे मोहन ने देखा जब ये समझ गए हैं सारी बात रे, समझ गए जब गोपी नोई गोपाए, मोहन ने देखा जब ये समझ गए हैं सारी बात रे, फिर ऐसी बजाई बंसी शुद्ध भूत खोई भोलेनाथ रे, आहा भोलेनाथ। यहाँ पर हमारा एक निजी विचार है, तुम लोग किसी पुराण का वर्णन मत मांगना, हमारा खुद का विचार है कि भोले बाबा जब गोपी बनकर गए तो घूंघट डाला, तो घूंघट जैसे ही डाला तो खिसक जाए, रुके ना, पुराण में वर्णन नहीं। हमारा मानना है कि भोले बाबा ने यहां एक नाग का प्रयोग किया, सांप, सांप गले में लिया, उसके मुंह में घूंघट चपवा दिया कि तुम पूरे महाराष्ट्र भर ये पकड़े रहना छोड़ना नहीं। नाग भी बोला जो आज्ञा है आपकी, लेकिन गड़बड़ कहां भाई, महाराष्ट्र तक तो वो पकड़े रहा, जब महाराज एकदम पीक पर पहुंच गया तो नाग ने सोचा हम ही ठुमका लगा ले, सब नाच रहे हम भर जो है घूंघट पकड़े हैं, मुंह और दर्द करने लगा, अब सब रास में मस्त कौन कोई देख रहा, भोले बाबा भी आंखें मीच के लगे। सो नाग जो घूंघट के भीतर था उन्हें खो छोड़ा, वो भी भीतर ही भीतर, शंकर जी तो बोले पकड़, नाग बोले अरे इतना तो चल ये है, अबे कौन खेसा करो। वो जब बात चल ही रही थी तब तक ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध कोई भोलेनाथ रे, हाँ भोलेनाथ। अब घूंघट तो नाग पकड़े ना तो वो भी नचत, तो भर भौका सिर से खिसक गई
हाँ सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, फिर मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए रास में आ गए। हाँ सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए रास में आ गए। जैसे ही साड़ी खिसकी सो अगल बगल की जितनी गोपियां, है जे तो गोपाल सब गायब होने लगी। एक तरफ कोने में खड़ी हो गए, लेकिन शंकर जी अब भी मस्त हैं, नचा ही रहे। पार्वती मैया ने तो इजारो करो, शंकर जी बोले क्या होगा, बोलो खो लगाई। अरे शंकर जी बोले लगो कुछ नहीं, चलो तो शंकर जी और नाग भी भी गले में लटको लटको, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे, जय हो भोलेनाथ, अच्छी गोपी बनकर आए हो। जब नजर गई कि सब लोग खड़े हैं, हम ही भरा नच रहे, तो पर जितने पर खड़े थे उतने पर ही खड़े रह गए। भगवान की तरफ देखा, भगवान बोले कहो। शंकर जी बोले आपकी लीला बहुत अद्भुत है, कोई नहीं पहचान सकते। तो इसलिए जो है नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहां आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। शंकर जी गोपेश्वर नाथ बन गए। बोलो गोपेश्वर नाथ की।